वाराणसी दे विच भारतीय जासूस समागम का आयोजन हो गया। दो दिनी समागम की शुरुआत जो है गृह मंत्री अमित शाह दे वलों की गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी समागम दे विच मौजूद ने। तुहानू दस दिए कि हिंदी भाषा के योगदान ते भाषा की भूमिका ते इस विच चर्चा हो रही है। दस दिए कि तस्वीर वाराणसी दियां ने जिथे के भारतीय राज भाषा समागम का आयोजन किया गया। दो दिनी समागम की जिहड़ी शुरुआत है हो चुकी है। समागम दे विच राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद ने। इस तों अलावा यूपी दे सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस प्रोग्राम दे विच मौजूद ने। इस प्रोग्राम दे विच हिंदी भाषा दे योगदान अते भाषा की भूमिका ते चर्चा हो रही है। तस्वीर सीधिया वाराणसी तो ने जिथे के दिल्ली दे माफ करना यूपी दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ने उस समागम दे विच मौजूद ने। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी समागम दे विच मौजूद ने। ते दो दिनी समागम की जो शुरुआत है हो चुकी है। भारतीय राज भाषा समागम का जो आयोजन है हो चुका है। दो दिनों का यह समागम होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इस प्रोग्राम दे विच मौजूद ने। दस दिए कि 13 अते 14 नवंबर दो दिनों का यह प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम दे विच समागम दे विच हिंदी भाषा के योगदान अते भाषा की भूमिका ते जो चर्चा है वह हो रही है। तस्वीर सीधिया वाराणसी दियां ने जिथे के भारत के गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुंचे हुए ने। ते दो दिन का यह समागम जो है वाराणसी दे विच करवाया जा रहा है। वाराणसी दे विच भारतीय राज भाषा समागम का जो आयोजन है वह हो चुका है। ते जो समागम और महिलाओं दो दिन चलेगा की प्रतिष्ठापना उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रचनात्मक आधार है। आपके सिद्धांत कर्म मिलों की प्रतिष्ठापना उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रचनात्मक आधार है। आपके सिद्धांत कर्म आचरण और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में हिंदी के प्रति निष्ठा भी दिखती है, देश के प्रति स्वाभिमान भी दिखता है। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। ये तो मेरा माइक कहाँ है यार? माइक दुबे जी लेके गए थे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, पूर्व राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव राजभाषा विभाग सुश्री अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव राजभाषा डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी जी, राजभाषा समिति के सभी माननीय सदस्यगण,
देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी राजभाषा से जुड़े हुए विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं सबसे पहले माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने आजादी के बाद इस पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुना और उसमें भी काशी को। मैं इस अवसर पर आप सभी का माननीय गृह मंत्री जी के साथ अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को मानते हैं कि मनुष्य इस सृष्टि का ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। इस सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम दिया है और अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम है हमारी भाषा। देश के अंदर और दुनिया के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी, लेकिन हिंदी की उपेक्षा आप इसी से समझ सकते हैं कि इस सम्मेलन को आयोजित करने में भी आजादी के बाद 75 वर्ष लग गए हैं और वह भी तब जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर पूरी प्रामाणिकता के साथ हिंदी में अपने उद्बोधन के माध्यम से भारत और भारतीयता को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाइयां दी। काशी के साथ तो बहुत कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, याद करिए हिंदी की ही जो बोलियां हैं, भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, मगधी है, ये सभी हिंदी से जुड़ी हुई है क्योंकि हम सब की एक लिपि है, वह देवनागरी लिपि है और सभी लोग उस लिपि के माध्यम से ही अपनी बोली, अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हैं।